जाएगी, मुखर्जी मुखर्जी की जाएगी, मुखर्जी मुखर्जी की प्रतिमा तक हम बुल जाएंगे। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने के साथ ही दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी आमजन के द्वार पर नजर आ रहे हैं। वहीं नामांकन दाखिल करने के एक दिन पूर्व आज लोकसभा उदयपुर शहर भाजपा प्रत्याशी मनालाल रावत ने जगन्नाथ स्वामी के दर्शन और विधि विधान से पूजा कर जनसमर्थन जुटाने का आगाज शुरू कर दिया है। रावत ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के सपने को साकार करने के लिए हम सब कटिबद्ध है। वहीं रैली में शहर विधायक तारचंद जैन, उप महापौर पारस सिंह भी, जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के साथ ही भाजपा के सैकड़ों समर्थित कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिलाओं ने भी अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाते हुए अब की बार 400 पार के नारे को शहर की गलियों में गुंजायमान कर दिया। वहीं उदयपुर शहर से जगदीश चौक, घंटाघर, मोचीवाड़ा, भोपालवाड़ी, मंडी क्षेत्र से सूरजपोल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रैली को समाप्त किया गया। क्षेत्र में गुजरने के दौरान व्यापार करने वाले व्यापारियों से रामास्वामी करते हुए जनसमर्थन जुटाने का काम भी किया गया। वहीं व्यापारियों ने और क्षेत्रीय लोगों ने भी रावत को माला पहनाते हुए स्वागत किया और अपने जनसमर्थन के प्रति आश्वस्त भी किया। जो रणबेरी है उसका शंखनाद अभी हो रहा है। हमारे सभी मार्गदर्शक, जिलाध्यक्ष जी, हमारे स्थानीय विधायक साहब और जो देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु हैं, जो सभी साथ चलेंगे, शहर में सभी का आशीर्वाद लेने के लिए पैदल यात्रा करेंगे और कल नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो उनके लिए हम आग्रह भी करेंगे और आमंत्रण भी देंगे। ये क्रम अभी भगवान आशीर्वाद लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? जगदीश चौक से शहर के अंदरूनी भाग में होते हुए सूरजपोल के वहाँ तक जाएंगे, मुखर्जी मुखर्जी की प्रतिमा तक हम बुल जाएंगे।